जैन मेरे फ्यूचर फौजी भाइयों, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको लेग वर्कआउट। लेग वर्कआउट बहुत जरूरी है जिससे कि आपकी पैरों में स्ट्रेंथ बढ़ती है और 16 सौ में जो जिन भाइयों पे लास्ट में नहीं खिंचता है उनके लिए बहुत जरूरी एक्सरसाइज है और जो आपको करनी है हफ्ते सप्ताह में एक दिन करनी है आपको, ठीक है। ध्यान से और ध्यान रहे, इन एक्सरसाइज को करने से पहले वार्म अप जरूर कर लेना, कम से कम 15 या 20 मिनट का वार्म अप तो होना जरूरी है। वार्म अप के बाद ही करना है इन एक्सरसाइज को, वरना नस वगैरह खिंच जाएंगी तो दिक्कत हो सकती है। और मतलब पैरों का मजबूत होना बहुत जरूरी है 1600 में, क्योंकि उसी से आप खींच पाओगे। लास्ट में जिन बंदों के पैर भरते हैं ना, उनके लिए तो बहुत जरूरी एक्सरसाइज है और नॉर्मल भी हर किसी के लिए बहुत बढ़िया है, तो इनको करके देखना, ठीक है। ये कुछ एक्सरसाइज है भाइयों, ये आपकी सबसे पहली एक्सरसाइज है। इसमें आपको क्या है कि आराम आराम से किसी भी सीढ़ी पे करनी है ये एक्सरसाइज। सारी एक्सरसाइज 3 बार करनी है और आराम आराम से। ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज है। इसमें आपको धीरे धीरे जंप लेते हुए एक्सरसाइज करनी है, आराम से हाथों को चलाते हुए, ठीक है, आराम आराम से। ये आपकी थाई को मजबूत करेगी और स्ट्रेंथ बढ़ेगी आपकी इसमें रनिंग में। और देखो भाई, जिस भाई की थाई बढ़ती है ना, पीडलियाँ बढ़ जाती हैं, उनके लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज है, बहुत शानदार एक्सरसाइज है। और हो सके तो इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, ठीक है, और हाथों को चलाते हुए। ये है आपकी बॉक्स जंप। ये आपको इसके भी आपको 3 सेट करने हैं, आराम आराम से जंप लेते हुए और सही तरीके से करने हैं, ठीक है। ज़्यादा ऊपर नहीं रहना है, ज़्यादा नीचे नहीं रहना है, आराम आराम से करने हैं। ये जंगों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। ये आपकी अगली एक्सरसाइज। इसमें आपको सीढ़ियों पे जाना है धीरे धीरे जंप लेते हुए, पर याद रखना आराम आराम से, गिरने का डर है इसमें थोड़ा सा, ठीक है भाइयों। ये आपकी नॉर्मल स्क्वैट्स है। स्क्वैट्स तो सारी सबसे अच्छी एक्सरसाइज है ही है, ये एक नॉर्मल एक्सरसाइज, धीरे धीरे करनी है आपको, ठीक है ना, है ना, आराम आराम से और सही तरीका से करनी है, आराम आराम से एक अच्छी पोजिशन बना के। ये आपकी एक पैर से आपको सीढ़ियों के ऊपर चलते जाना है, ठीक है। आप इसे 2 से 3 बार कर सकते हो आराम आराम से। तो ये आपकी अगली एक्सरसाइज है, दोनों पैरों के साथ में जाना है। इसे आप करें तो करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाइयों। जय हिंद।